खाली पिलाना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल जिप्सी भारत पे और एक और नए एपिसोड के साथ, जो कि हम आपको आज दिखाने वाले हैं कश्मीर की खूबसूरती। और इसी सीरीज़ के चलते आज हम आपको लेके चल रहे हैं वुलर लेक। तो आइए वहाँ पे डे कैंपिंग करते हैं और वहाँ के नज़ारों का मज़ा लेते हैं। तो मिलते हैं रोड के ऊपर। तो ये हम अभी जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। हमारे दोनों तरफ कश्मीर विलो के पेड़ हैं बड़े बड़े। और अभी थोड़ी देर पहले जो है हम सोपोर टाउन से निकले थे, जिसको कि एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। और आज मौसम बहुत प्यारा है, बहुत खिली हुई धूप है और हम इस प्यारे से रास्ते से गुजर रहे हैं। तो ये लीजिए, हम पहुंच गए हैं वुलर लेक के किनारे में। आइए चलिए देखते हैं। तो जी, शायद बहुत हाइप किया हुआ है इस जगह को, या अभी ये डेवलप नहीं हुई है। तो हमें वहाँ पे वुलर लेक के किनारे कोई स्पॉट ही नहीं मिला जहाँ पे हम अपनी डे कैंपिंग कर सकते थे। तो हम निकल पड़े जो साथ वाली पहाड़ी है उसके ऊपर। तो जी दोस्तों, कश्मीर की वादियों से हम आपके साथ आज फिर जुड़े हैं और आज हम पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वुलर लेक, जो कि एशिया की सबसे बड़ी एक फ्रेश वाटर, यानी कि जो ताज़ा पानी होता है, ताज़ा पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है। ये लेक जो है 16 किलोमीटर लंबाई में और तकरीबन 9.5 किलोमीटर चौड़ाई में है। और जो झेलम नदी है, झेलम नदी आके इसके अंदर गिरती है और इस झील को बनाती है, और उसके बाद फिर आगे झेलम नदी ही इसको इस झील से आगे निकल के आगे निकल जाती है पाकिस्तान की तरफ। तो ये वुलर लेक जो है, ये बहुत ही खूबसूरत लेक है। हम इसके बिल्कुल साथ में एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी है जिसके ऊपर हम इस टाइम बैठे हुए हैं, जहाँ से हमें पूरी लेक का नज़ारा मिल रहा है। और यहाँ ये जो इलाका है, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, बांदीपुर सोपोर के बीच का इलाका है। तो हम यहाँ बैठे हुए हैं आज आपके साथ और आपको यहाँ से हम जो है बढ़िया आज नज़ारे दिखा रहे हैं। तो देखते रहिए आप हमारे व्लॉग, आगे देखिए बहुत खूबसूरत हमारी कैंपिंग के नज़ारे आपको दिखेंगे। और यहाँ हमने अभी अपना कैंप सेटअप किया है और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो आज का भोजन कहाँ तैयार हो रहा है। मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। आइए चलिए। हाँ, तो हमने गाड़ियाँ जो सड़क पे लगाई थी वहाँ से बिल्कुल हल्की सी स्लोप नीचे जाती है और वहीं पे ये आप देख सकते हैं गाड़ी हमने यहाँ लगाई हुई है रोड पे। और यहाँ से नीचे उतर के मुश्किल से कोई 25-30 मीटर होगा। तो यहाँ पे जो है हमारी लेडीज ने बहुत खूबसूरत एक जगह ढूंढी है जहाँ उन्होंने कैंप किया है। तो आप ये देख सकते हैं, इन्होंने ये पेड़ों की छाँव के नीचे जो है अपना घर बसा लिया है और यहाँ पे ये खाना बनाने की तैयारियां अभी शुरू करेंगी। और ये खाने में आज मैगी बनाई जा रही है और ये मैगी के पैकेट फाड़ती हुई हमारी लेडीज और खाना बनाना यहाँ पे शुरू हो चुका है।
बच्चे इतना दिन तो थे, छोटे छोटे भी रखे जो बाहर लटक रहे थे, वो ये साइज था। और उसके साथ सिंगल सिंगल बर्नर्स रखे हुए थे। अच्छा, बड़ा सही है। अगर वो जगह को डेवलप करा देना, ये लोग तो जो स्लोप है उस पर आ रहा है ना, जो मैगी खा लिया? खा लिया? पापा को दिया नहीं? पापा को दिया नहीं हमने मैगी दिया? थैंक यू। तो जी क्या बढ़िया सेटअप हुआ है यहाँ पे, हमक लगा दिया, बच्चे उसपे खेल रहे हैं और हम यहाँ पे बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। तो लो जी मैगी हो गई है तैयार और पारुल ने प्लेट में सजा दी है हमारे लिए, और ये पहली प्लेट हमारे पास आती हुई। मैं देखता हूँ इसको खा के आज कैसी बनाई है इन्होंने। जी परिण शर्मा, हाउस द फीलिंग?
ना बढ़िया लाइट। तो दोस्तों ये देखिए हमें यहाँ पे दो बहुत प्यारे कश्मीरी भाई मिले हैं दोनों। क्या नाम क्या है आपके? उमर और वामिक। वामिक, उमर और वामिक ये जो है दोनों यहीं पे सुपौर में पढ़ते हैं दोनों। डूंगरपुरा बताया आपने? डांगरपुरा। डांगरपुरा में पढ़ते हैं और काफ़ी जो है अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे, और बड़े होके होनहार और काफ़ी कामयाब बनेंगे इंशाल्लाह। मेरी भी आप लोगों से, खुदा से यही दुआ रहेगी कि आप लोग बहुत तरक्की करें और हमारा कश्मीर जो है और तरक्की करे और डेवलप करे। ठीक है, चलिए मिलते हैं। ये गिरा ना दे। ये है कहाँ की कड़क चाय, कहाँ पहुँचे हुए हम? सोपोर। बहुत ज्यादा हुई है बाकी। ये हमारे सोपोर की कड़क चाय है। तो ये हमारा कचरा है जो हमने पूरा एक थैली में डाल दिया और इसको हम करेक्टली डिस्पोज करेंगे। फ्रेंड्स अब जा रहे हैं वापस अपना डे कैंपिंग का दिन खत्म करके। बहुत एंजॉय किया। कश्मीर इज सो सो ब्यूटीफुल। लाइक हम वी लुक फॉरवर्ड फॉर एवरी वीकेंड कि जाके कुछ ना कुछ नई जगह एक्सप्लोर करें। बहुत मजा आता है। आप लोग भी करिए हमारे साथ। बाय बाय। तो अच्छा लगता है कि तो मैं यकीन रखता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग हमारा पसंद आया होगा, और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो हमेशा की तरह हमारी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे ब्लॉग को लाइक करिए, उस पर कमेंट जरूर करके बताइए आपको हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है और आप और क्या देखना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ब्लॉग को शेयर करिए। और जिन्होंने अभी जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब। हम 1000 के मार्क के बहुत करीब हैं तो जल्दी से हमें 1000 जो है सब्सक्राइबर्स को दिला दीजिए, और उसके बाद तो ये जो परिवार है ये बढ़ता ही रहेगा। टेक केयर एंड गुड बाय।